नमस्कार दोस्तों, ये है हीरो की एक्सट्रीम 160R 100 मिलियन एडिशन। इसमें चार कलर का ऑप्शन मिलता है और तीन वेरिएंट मिलते हैं, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क और 100 मिलियन एडिशन। 100 मिलियन एडिशन में एक ही कलर का ऑप्शन मिलता है, रेड एंड वाइट का। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके प्राइस, फीचर्स और माइलेज के बारे में। जैसा कि इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एग्रेसिव दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो इसकी जो फ्रंट के हेडलाइट की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्टाइलिश दी गई है। और यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है और इसके साइड में आपको व्हाइट कलर का ग्राफिक्स मिल जाता है नीचे की साइड में। और इसमें आपको जो है LED बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं येलो कलर के। और यहाँ पर आपको जो है LED डायल्स मिल जाती हैं इसके साइड में। और इसकी हेडलाइट में आपको फुली LED सेटअप मिलता है, इसमें आपको बल्ब का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसा कि आप इसकी लाइट की और इसकी जो रोशनी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी दी गई है। अब चलते हैं इसके नीचे की साइड में। तो इसका जो फ्रंट का जो मडगार्ड की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक दी गई है और काफ़ी चौड़ा मडगार्ड यहाँ पर आपको फ्रंट वाला मिल जाता है, जो कि डुअल टोन कलर में दिया गया है। इसके फ्रंट में सिंगल चैनल ABS मिल जाता है 276 mm की डायमीटर के साथ में, और यहाँ पर ABS का लोगो दिया गया है। और इसके फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन 17 इंचेस का टायर मिल जाता है, इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पर रेड कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और इसमें आपको 17 इंचेस के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। जैसा कि ये 100 मिलियन एडिशन है तो यहाँ पर आपको जो है फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ से इसकी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर हीरो की बैजिंग दी गई है और यहाँ पर RPM रीडिंग, यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आर की रीडिंग, यहाँ पर वॉच, यहाँ पर आपको किलोमीटर रीडिंग, फ्यूल रीडिंग, और यहाँ पर इंजन माल फंक्शन लाइट, गियर न्यूट्रल लाइट, टर्न सिग्नल लाइट, ABS इंडिकेशन लाइट और मेन हेडलाइट इंडिकेशन लाइट। तो सारी इंडिकेशन लाइट आपको इसके मीटर कंसोल में मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको दो बटन दी गई हैं मीटर को एडजस्ट करने के लिए। और इसमें आपको ब्लैक कलर की हैंडल बार रॉड मिल जाती है। इसके जो साइड मिरर की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक दी गई है। और इसके स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच और हैजार्ड का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल स्विच और हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको इंजन किल का और सेल्फ का स्विच मिल जाता है। इसी स्विच के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। और अब इसके जो है फ्यूल टैंक की तरफ चलें तो जैसा कि 100 मिलियन एडिशन है तो यहाँ पर आपको 100 मिलियन का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके फ्यूल टैंक की डिज़ाइन को देख सकते हो, साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी बड़ा और चौड़ा दिया गया है, काफ़ी मस्कुलर सी डिज़ाइन दी गई है। और यहाँ भी आपको एक्सट्रीम 160R का लोगो देखने को मिल जाता है। इसका जो कलर है वो डुअल टोन में दिया गया है, रेड और वाइट में। और यहाँ भी आपको जो है हीरो का लोगो मिल जाता है और यहाँ भी आपको एक्सट्रीम का लोगो देखने को मिल जाता है स्टिकर के रूप में। और जैसा कि इसकी जो बॉडी है वो फाइबर की दी गई है, मेटल की नहीं है। अब इसके नीचे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको जो है प्रोग्रामेड FI की बैजिंग मिल जाती है, जैसा कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। अब इसकी सीट क्वालिटी की बात करें तो राइडर के लिए इसकी जो सीट क्वालिटी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सीट हो सकती है पीछे बैठने वाले के लिए। और इसके साइड के नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको 160R की बैजिंग मिल जाती है ग्राफिक्स के साथ में। और इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 130x17 इंचेस का टायर साइज मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेडियल टायर मिल जाते हैं काफ़ी चौड़े वाले, और 17 इंचेस के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो 7-स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोक्रॉस टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। अब चलते हैं इसके ऊपर की साइड में। तो इसकी जो टेल लैंप है वो फुली LED की दी गई है, जैसा कि इसकी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक है। और यहाँ से आप इसकी सीटिंग पोजीशन को देख सकते हो, पीछे वाली जो सीट की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है। और यहाँ पर आपको जो है ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं पीछे पकड़ने के लिए, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको हीरो का लोगो मिल जाता है और इसके साइड में आपको LED बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं और जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके दूसरी साइड में। तो इसकी जो सीट काउल है यहाँ पर आपको 160R का लोगो मिल जाता है ग्राफिक्स के साथ में, और यहाँ पर आपको लॉकर दिया गया है सीट को खोलने के लिए। और यहाँ पर आपको FI की ब्रांडिंग मिल जाती है, प्रोग्रामेड FI की। और इसके फ्यूल टैंक पर भी आपको हीरो एक्सट्रीम का लोगो मिल जाता है। अब इसके पीछे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का सार्डी गार्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है पिलियन के लिए। और यहाँ पर आपको जो है ओपन चेनसेट कवर मिल जाता है जो कि प्लास्टिक का दिया गया है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है 167 mm का
ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और इसके साइड स्टैंड पर एक सेंसर भी दिया है। यहाँ पर आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है। अब दोस्तों इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 163cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व सिंगल सिलेंडर OSC BS6 FI का इंजन मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर है 15.22 PS की 8500 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14 Nm का 6500 RPM पर। इसमें आपको 5-स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है। इसका कर्व वेट है 139.5 kg। जैसा कि ये BS6 इंजन है तो इसमें आपको 2 से 3 लीटर पेट्रोल रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फ्यूल पंप खराब हो सकता है। अब दोस्तों इसके इंजन के दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको इंजन ऑयल का कैप, यहाँ पर आपको क्लच का वायरिंग, यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर स्पार्क प्लग दिया गया है, यहाँ पर इंजन के हेड के ऊपर सेंसर दिया है और यहाँ पर आपको सेल्फ की मोटर और यहाँ पर आपको कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है। यहाँ से आप इसके कैटलिटिक कन्वर्टर को देख सकते हो जिसके ऊपर एक मेटल की प्लेट दी गई है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको एक ब्रेक पैड मिल जाता है मेटल का और यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल फुटरेस्ट भी मिल जाता है राइडर के लिए। और यहाँ पर आपको जो है ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि सिंगल चैनल ABS दिया गया है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट यहाँ भी मिल जाता है पिलियन के लिए। और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट की डिज़ाइन को देख सकते हो। इसके ऊपर आपको एक मेटल की प्लेट मिल जाती है जो कि डार्क मैट ब्लैक कलर में दी गई है। और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट की डिज़ाइन को देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों अब मैं आपको जो है इसके इंजन का और इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है इसके इंजन का साउंड सुना देता हूँ। तो यहाँ से आप जो है इसके इंजन का साउंड सुन सकते हो। इसका जो इंजन का जो साउंड है थोड़ा सा लाइटली है, जैसा कि आप यहाँ से सुन सकते हो। अब आप इसके एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन सकते हो। तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड इंजन है, जैसा कि यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हो, और काफ़ी मजबूत इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसके प्राइस की। तो 100 मिलियन एक्सट्रीम 160R का ऑन रोड प्राइस है 1,38,700 रुपये, 1,38,700 रुपीज़। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है सानिया शोर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। शोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट करके इसका ऑन रोड प्राइस पूछ सकते हो अपनी सिटी का। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।